नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत माधरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जैन स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, YouTube में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में कि जिनकी वृषभ राशि है उनको कौन सी कंपनी के शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए। शेयर मार्केट की बात करूं मैं, उसके पहले एक बात जो हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि हर इंसान को, चाहे उसकी कोई भी उम्र हो, उसको कुछ न कुछ फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। जैसा हो सके वैसा सेविंग हमेशा करनी चाहिए। जैसे किसी के घर में छोटा बच्चा है, मान लीजिए अभी वो नर्सरी में है, फिर बाद में जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर फर्स्ट सेकंड, तो हर महीने उसके लिए आप एक या तो बैंक में अकाउंट खोल करके महीने का 500 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, जैसी आपकी स्थिति है वैसा उसके अनुकूल आप अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। या आप बड़े, आपकी एज अगर 30 साल 32 साल के आसपास है और अब तक आपने अगर फ्यूचर सेविंग की प्लानिंग नहीं की है तो आप ज़रूर शुरू करें। और मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी पैसा डायरेक्ट शेयर बाजार में कभी नहीं लगाना चाहिए। तो जब आपके पास में, जैसे आप किसी अपने बच्चे के लिए, हम समझिए सेविंग कर रहे हैं, महीने का आप 1000 रुपया सेव कर रहे हैं और धीरे धीरे इकट्ठा करके वो पैसा यदि 20,000 हो जाता है या 50,000 हो जाता है, तो उस समय देखने का कि शेयर मार्केट तेजी में आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, या शेयर बाजार में मंदी है। यानी कि लगातार महीना, दो महीना, तीन महीने से लगातार बढ़ रहा है, तो वो परिस्थिति में आपको किसी भी शेयर में पैसा नहीं लगाना चाहिए, किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब लोग सब खरीदते हैं उस समय आपको सिर्फ देखना है, आपको कोई खरीदी नहीं करना है। लेकिन बाद में जब आप उस समय का इंतज़ार करेंगे, करना चाहिए जब तक बाजार काफ़ी हद तक गिरे नहीं। यानी कि जब बाजार में करेक्शन आएगा, जब शेयर मार्केट गिरेगा, तो वो जब 2000-3000 पॉइंट सेंसेक्स गिरता है, तो उसके बाद में उस समय सब लोग जो शेयर ऑलरेडी खरीद चुके होते हैं वो उस समय मंदी में बेचते हैं। तो ऐसे समय में आपको शेयर खरीदना चाहिए। जब सब लोग बेचते हैं उस समय आपको बाजार में एंट्री करनी है। और मान लीजिए आपके पास 20-30 हज़ार या 50,000 या 1-2 लाख, जैसा भी आपके पास सेव किया हुआ पैसा है, तो उस मंदी में आपको ज़रूर उस शेयर में, अच्छी कंपनियों में शेयर में निवेश करना चाहिए। क्योंकि बैंक एक लिमिट हद तक आपको इंटरेस्ट देगा, लेकिन शेयर बाजार में के माध्यम से अच्छी कंपनियों में, ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट करके यदि थोड़ा आप धैर्य भी रख सकते हैं, पेशेंस है आप में, और थोड़ा पैसा भी लगा सकते हैं, तो आपको ज़रूर उस समय खरीदी करना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा वृषभ राशि वालों के लिए कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों को कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वृषभ लग्न राशि वालों को मिथुन, कन्या और मीन, ऐसी कोई कंपनी जिसकी राशि मिथुन, कन्या या मीन हो, उस कंपनी में निवेश किया जा सकता है, अर्थात उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अभी वृषभ राशि किसकी होगी पहले वो अपन क्लियर कर लेते हैं। तो जिनका भी नाम ब या व से शुरू होता है उसका राशि मून साइन वृषभ होता है। यदि उनको निवेश करना है तो ऐसी कोई कंपनी जिसका राशि मिथुन है, वो जिसका भी कंपनी का नाम का शुरुआत का अक्षर क से शुरू होता है, ग से शुरू होता है या छ से शुरू होता है, वो हो गई उस कंपनी की मिथुन राशि, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसमें कहना चाहूँगा कि क के बाद में जो ग आता है वो घर वाला ग है, गमले वाला ग नहीं है। तो वृषभ राशि वालों को ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए जिसकी, उस कंपनी की राशि मिथुन हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कंपनी की राशि कन्या हो। कन्या यानी कि जिस कंपनी का नाम प या ठ से शुरू होता है उस कंपनी का राशि कन्या हो जाता है। तो कन्या राशि वाली कंपनी के शेयर भी खरीदे जा सकते हैं, उसमें निवेश किया जा सकता है।
और तीसरा राशि है मीन अर्थात पाइसेस। तो ऐसी कोई कंपनी जिसका नाम द या फिर च से शुरू होता है उस कंपनी का राशि हो जाता है मीन। तो वृषभ राशि या वृषभ लगन वालों की कुंडली के लिए खास बात है कि वो लोग ऐसी कंपनी में निवेश कर सकते हैं उस कंपनी का नाम मिथुन कन्या या मीन राशि वाला होना चाहिए। इसके अलावा एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि वृषभ राशि वालों को कौन सी राशि वाली कंपनी में निवेश करना है वो तो आपने समझ लिया, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि वो कंपनी विशेष तौर से ऐसे कारोबार से जुड़ी हुई हो जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट, ज्वेलरी, ज्वेलरी में इमिटेशन ज्वेलरी भी आ सकती है, गोल्ड सिल्वर या फिर डायमंड ज्वेलरी भी आ सकती है। तो ब्यूटी प्रोडक्ट, ज्वेलरी और FMCG के कारोबार से यदि वो कंपनी जुड़ी हुई है तो उसमें सही वक्त पर आप निवेश कर सकते हैं। यानी कि वृषभ राशि वालों को मिथुन कन्या और मीन राशि वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसके शेयर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन कंपनी का रिलेशन कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट से हो, ज्वेलरी कारोबार से हो या फिर FMCG मीन्स जो जनरल जो रोज काम आने वाली चीज़ें हैं लाइक साबुन, दाल, आटा, मतलब कोलगेट वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें जो डेली यूज़ होती है वो FMCG मानी जाती है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि वृषभ लगन वाले को मिथुन कन्या और मीन राशि वाली कंपनी में निवेश करना ठीक रहेगा। लेकिन अगेन रिपीट, जब भी बाज़ार में काफ़ी करेक्शन आए, जब भी बाज़ार काफ़ी नीचे आ जाए, उसका सेंसेक्स काफ़ी गिर जाए, उस समय आपके सेव किए हुए पैसे अमुक कंपनियों में लगा सकते हैं और आप अगर पेशेंस रख सकते हैं और सेविंग भी है आपके पास तो ज़रूर ये नुस्खा आप अपनाएं, आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो मित्रों, आपको भी यदि अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेकर के आ सकते हैं। हमारा ऑफिस थाने मुंबई में है। आप इंडिया में हैं चाहे वर्ल्ड में कोई सी भी कंट्री में हैं, हम फ़ोन पर भी कुंडली कंसल्टेशन सर्विस देते हैं, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। आपको उत्तम क्वालिटी के प्रॉपर ग्रेविटी और प्रॉपर जेन्युइन जेम स्टोन आप यदि घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अपने घर, मकान, फ्लैट, बंगलो, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो वास्तु विजिट करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर पुश करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।